सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर एस के ग्रिंजा के रिटर्न आने के ऊपर बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है एंड इसके ऊपर एक और पार्ट बनाना तो जरूर बनता था। वैसे भी यार मुझे आजकल टॉपिक नहीं मिल रहे, तो आपके पास कोई टॉपिक हो तो यार कमेंट्स में बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो पक्का बनाने की कोशिश करूंगा एंड मुझे अच्छा टॉपिक लगा तो यार मैं शाउट आउट भी जरूर से दूंगा। सो फाइनली हमारा टॉपिक होने वाला है एस ग्रिंजा रिटर्न के ऊपर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके जरूर दबाना ताकि आपको ऐसी पोकेमोन से रिलेटेड कंटेंट डेली मिलता रहे एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, आईडी है pokedon2। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना जरूरी है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ये कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है या फिर कोई भी ऑफिशियल एपिसोड रिलीज नहीं हुआ है जिसमें बताया गया एस का ग्रिंजा वापस आने वाला है एंड ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है जो मर्चेंडाइज होते हैं वो आगे के एपिसोड के आइडिया देते हैं, यानी कि हिंट देते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, एस कौन से पोकेमोन पकड़ सकता है या फिर क्या क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जब एस ड्रैगनाइट एंड गेंगार पकड़ने वाला था या फिर सबसे ज्यादा तो रियोलू के ऊपर हाइप बनी हुई थी और बहुत ज्यादा मर्चेंडाइज आ रहे थे, उसके पहले से ही बहुत ज्यादा मर्चेंडाइज आने लगे थे कि एस रियोलू या फिर गेंगार या फिर ड्रैगनाइट को पकड़ने वाला है एंड बहुत जनों ने उसके पहले वीडियो बना दी थी, हालांकि मैंने भी बना दी थी। यार ये मर्चेंडाइज को हल्के में मत लिया करो, ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा हिंट होता है। और यार अच्छी बात तो यही कि यार कुछ महीनों से ग्रिंजा के ऊपर भी बहुत ज्यादा मर्चेंडाइज आ रही है, हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये किसका ग्रिंजा, किसी और ट्रेनर का या फिर एक नॉर्मल ग्रिंजा या फिर एश का ग्रिंजा है, पर जहां तक मुझे लगता है ये एश का ग्रिंजा होने वाला है। तो कुछ मर्चेंडाइज मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रिंजा को शो किया गया है एंड ऐसे और भी कई मर्चेंडाइज आए जिससे यार बहुत बड़ा हिंट मिलता है कि ग्रिंजा का रिटर्न होने वाला है या फिर कोई और ग्रिंजा जरूर सीरीज में शो होने वाला है, यानी कि अपियर होने वाला है। और यार सबसे बड़ा प्रूफ तो ऑफिशियल पोस्टर होता है जिसमें हमें ग्रिंजा को शो कर दिया गया है। तो यार इसका एक एग्जांपल दे दूं, जब गोकर राबोट इवॉल्व नहीं हुआ था, मतलब यार वो स्कोर बनी फॉर्म में था, तब यार ऑफिशियल पोस्टर में राबोट को दिखा दिया गया था, तो एक बहुत बड़ा हिंट आ रहा था, बहुत जनों ने इसके ऊपर वीडियो भी बना दी थी एंड वैसा ही कुछ हुआ अगले एपिसोड में, गोकर राबोट जो है वो इवॉल्व हो गया था एंड यार ये पोस्टर बहुत सच लगने लगा एंड ये बहुत ही बड़ा हिंट था। और इस बार वाले पोस्टर में तो यार बहुत सारे पोकेमोन दिखा दिए गए हैं जो कि एश के पोकेमोन है जो कि रिटर्न आने वाले हैं एंड मुझे नहीं पता, मैं हर बार की तरह बोल रहा हूँ ये एश का ग्रिंजा या फिर किसी और का ग्रिंजा या फिर एक जंगली ग्रिंजा है, मुझे तो लगता है एश का ग्रिंजा है क्योंकि यार एश का ग्रिंजा ज्यादा चांसेस है बैक आने के। वैसे इतने सारे मर्चेंडाइज को देखते हुए या फिर हम कहें सबसे बड़ा प्रूफ जो कि था ऑफिशियल पोस्टर उसको देखते हुए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ग्रिंजा 75% वापस आने वाला है। पर अभी रुक जाओ यार, वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूँ कि ग्रिंजा अगर वापस आएगा तो आएगा कैसे। तो जैसे कि मैंने अपने 2-3 वीडियो में बनाया, जो गलार रीजन एंड कालो सीजन वो एक टनल के थ्रू कनेक्ट है जिससे हम कालो सीजन से गलार रीजन जा सकते हैं एंड गलार रीजन से कालो सीजन आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ग्रिंजा वापस आ जाए उस टनल के थ्रू एंड ऐश से मिल ले एंड ये भी मैंने अपने 2-3 वीडियोस में बताया है, जो ऐश है वो हर एक रीजन में ट्रैवल कर रहा है और फिलहाल वो ह्वेन रीजन में है एंड जब वो कालो सीजन में जाएगा, फिलहाल तो कालो सीजन में गया नहीं, तो पर यार वो जब जाएगा तब ग्रिंजा से मिल सकता है एंड ग्रिंजा 2-3 एपिसोड के लिए रह सकता है एंड जब तक वो एश के शोबल को ट्रेनिंग दे एंड ये बात बता दो, शोबल अभी तक एश ने पकड़ा नहीं है पर यार ये 95% कंफर्म हो चुका है, तो वो एश के शोबल को ट्रेनिंग दे ग्रो होने में, मतलब या उसको ट्रेन करे अच्छे से अपने जितना स्ट्रांग बनाए और वो बस 2-3 एपिसोड के लिए रहने वाला है, चाहे कैसे भी आए बस 2-3 एपिसोड के लिए रहने वाला है, बिकॉज सारे पोकेमोन को शाइन करने का मौका चाहिए। अगर सारे पोकेमोन को ट्रेनिंग नहीं मिला, सारे पोकेमोन को स्क्रीन टाइम नहीं मिला, तो यार उनकी फैन फॉलोइंग भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी और यार गला रीजन तो पुराने पोकेमोन से भर जाएगा क्योंकि यार हमें ग्रिंजा की पावर तो पहले से ही मालूम है, तो हमें और पोकेमोन की भी पावर दिखनी चाहिए। सो फाइनल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि ग्रिंजा के आने के परसेंट है 75% एंड अगर वो आएगा तो 1-2-3 एपिसोड के लिए ही रहेगा। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना था, अगर आपको वीडियो पसंद है या फिर आप चाहते हो कि ग्रिंजा वापस आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करके जरूर दबाना। मिलूंगा ऐसे पोकेमोन के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।